हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हेमल सर पे। हेमल सर भी आपके, ये चैनल भी आपका है, सब कुछ आपका ही है, प्यार भी आपका है, सब्सक्राइबर भी सब कुछ आपका ही है। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 31 जनवरी 2018 बैंक बैलेंस एज पर क्या दिया है? कैश बुक वॉज अ 40,000। मतलब क्या बोल रहे हैं? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब तुम सोचोगे सर बैंक बैलेंस मतलब पासबुक का नहीं, अगर देखोगे बैंक बैलेंस एज पर क्या दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया गया है। कितना दिया गया है? 40,000 मुझे दिया गया है। तो ये क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? बैलेंस लिख दो, क्लियर है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा, क्लियर है? ये आ गया। अभी जहाँ पर बैलेंस रहेगा वो साइन क्या रहेगा? प्लस रहेगा। और बाकी सब क्या रहेगा? माइनस। यहाँ पर भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ये क्या रहेगा? माइनस। वो बताने वाली जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप सभी को पता चल ही गया रहेगा। जहाँ पर बैलेंस रहेगा वो साइन को क्या करना है? मुझे प्लस करना है, क्लियर? चेक इशू, इशू का मतलब चेक क्या कर रहे हैं? हम पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख ऑन जनवरी 2018, बट चेक ऑफ ₹50,000 ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक इशू मतलब चेक पेमेंट कितना किया था? 1 लाख। तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए था? 1 लाख। पर यहाँ पर कितना आया? 50,000 ही आया। तो यहाँ पर और पैसा कितना ऐड करना बाकी है? और 50,000 यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है। तो यहाँ पर और कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। इसको एंट्री नंबर क्या दे दूंगा? 1 में नाम दे दूँ। आगे क्या बोल रहे? चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन मतलब चेक क्या कर रहा हूँ मैं? रिसीव कर रहा हूँ। और आगे क्या बोल रहे? कितने का चेक है बेटा अपने लिए? 2 लाख, आउट ऑफ विच 80,000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब 2 लाख रुपए का चेक मैंने डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए था? 2 लाख। पर यहाँ पर खाली कितना है? 80,000। मतलब यहाँ पर और कितना पैसा लिखना बाकी है? 1,20,000 लिखना बाकी है। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला? 2 लाख का चेक है, माइनस 80,000 ही प्रेजेंट हुआ, तो और कितना पैसा प्रेजेंट करना बाकी है? 1,20,000 प्रेजेंट करना बाकी है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहे? फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्री वर रेकॉर्ड शो इन अ पासबुक। मतलब सारी की सारी एंट्री क्या है? पासबुक जनवरी 2018 की, बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वॉज मेड इन अ कैश बुक। मतलब ये सारी एंट्री पासबुक में, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं है। तो वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे? पेमेंट ऑफ 640 बाय बैंक ऑफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। मतलब बैंक ने पे किया, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी रहेगी? कैश बुक की क्या रहेगी? यहाँ पर पेमेंट साइड पर एंट्री करनी बाकी रहेगी। 3 है, 3 का इसको 1 नाम दे दूंगा। अमाउंट कितना दिया है? 6,400 दिया गया। आगे क्या बोल रहे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 12,000। बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने क्या किया है? रिसीव। तो कहाँ एंट्री बाकी रहेगा? कैश बुक की रिसीव साइड पे आ जाएगा। 12,000 एंट्री नंबर क्या है इसका? 3 का क्या लिख दूंगा मैं? बी नाम लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे? बैंक डेबिटेड कमीशन 1,000 और बैंक चार्जेस कितना? बैंक ने डेबिट मतलब बैंक ने पे किया, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा? कैश बुक की कहाँ रहेगा अपने लिए? पेमेंट साइड पर एंट्री बाकी रहेगा। कितना है यहाँ पर टोटल? 1,000 और कितना दिया है? और 600 रुपीज़ दिया गया है, क्लियर? ये दोनों कहाँ पर आ जाएंगे? 3 में दिए गए। आगे क्या बोल रहे? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मेड बाय कस्टमर। डिपॉजिट किया मतलब अपने अकाउंट में पैसा आ गया, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है? कैश बुक की रिसीप्ट साइड पे आएगा। अमाउंट कितना दिया गया है? 1,000 दिया गया है। और ये कहाँ आ जाएगा? 3 मेरे लिए क्या दिया गया है? 4 दिया गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको समझ गया रहेगा, और जैसा मैंने अभी कर रहा नहीं हूँ, ये साइड को क्या है जो जहाँ पर बैलेंस है वो क्या रहेगा? प्लस। ये भी क्या रहेगा? प्लस। ये क्या रहेगा? माइनस। ये भी क्या रहेगा? माइनस। मतलब जो साइन प्लस है यहाँ पर वो पहले आएगा, पहले ये फर्स्ट नंबर आएगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा। सेम एज यहाँ पर माइनस है, तो पहले सेकेंड वाला नंबर, उसके बाद 3 वाला नंबर आएगा। तो डोंट वरी फ्रेंड, पूरा मैं एक्सप्लेन आपको वापस से बुक में जाके सम कराता हूँ। तो चलो फ्रेंड, अब बुक में जाके सम सॉल्व करते हैं। हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 के अबर ऑन 31 जनवरी 2000 क्या दिया गया है? मुझे यहाँ पर 18 दिया गया है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब ये क्या दिया है? बैलेंस एज पर क्या दिया है? कैश बुक। कितना दिया गया है मुझे? 40,000 दिया। बट पासबुक शो द सेम अदर बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ अ डिफरेंस। और लास्ट में क्या बोल रहे? प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 जनवरी 2000 क्या रहेगा? 18 रहेगा। तो जैसा आपको मैंने बताया, छोटा सा ही वर्किंग नोट बना देना है। और यहाँ पर बैलेंस दिया, देखो बैलेंस एज पर। तुम काफ़ी सारे बच्चे ऐसे सोचे कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब बैंक का रहेगा, जी नहीं। यहाँ पर बाद में का वर्ड देखना, देखो बैंक बैलेंस एज पर क्या दिया है? कैश बुक। कितना दिया गया है? 40,000 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना लिखूँ मैं? बैलेंस लिखूँ, क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस आ जाएगा। और अमाउंट कितना दिया गया है मुझे? 40,000 दिया गया है। तो इसको क्या कर दूँ? बॉक्स कर दूँ। अभी काफ़ी सारे बच्चों को पता चल गया, जिसके बॉक्स रहेगा वो साइन क्या रहेगा? ऐड रहेगा। और बाकी क्या रहेगा? लेस रहेगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31 जनवरी 2018 मैंने लिखा है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर क्या आ जाएगा, कैश बुक आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर लिखो बैलेंस एज पर क्या लिखूँ मैं, कैश बुक मैं क्या करूँ, लिख दूँ अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, 40,000 मुझे दिया गया है। तो बस ये 40,000 मैं क्या करूँ, लिख दूँ अभी आया। चलो आइडेंटिफाई करते कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, चेक इशू ऑफ ₹1,00,000 इन जनवरी 2018, मतलब 1,00,000 रुपये का हमने चेक कब इशू किया, जनवरी का। बट इशू का मतलब क्या कर रहे हैं, आप सभी को पता है इशू का मतलब क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, अभी उसमें से चेक ऑफ ₹50,000 ओनली प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31 जनवरी, मतलब 1,00,000 रुपये का चेक हमने इशू किया, मतलब हमने 1,00,000 रुपये का पेमेंट किया। पासबुक में भी कितना आना चाहिए था, 1,00,000, पर पासबुक में कितना आया, 50। तो हमें यही तो आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा चीज़ कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कितना था, 1,00,000, और यहाँ पर भी कितना आना चाहिए था, 1,00,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज़ आ जाएगा ये एंट्री, क्योंकि उतना चेक अपने लिए प्रेजेंट हुआ नहीं है। तो एंट्री नंबर क्या आ जाएगा इसको, 1 आ जाएगा। क्लियर है, आगे क्या बोल रहे हैं, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कितना कलेक्शन, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। क्लियर है, और कितने का चेक रिसीव करना है हमें, 2,00,000 रुपए का चेक क्या करना है, रिसीव आउट ऑफ विच, आउट ऑफ चेक ऑफ 80,000 ओनली क्या हो रहा है, क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब इशू, मतलब रिसीव कितना करना है, 2,00,000 रुपए का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, इसका मतलब यहाँ पर भी कितना आना, 2,00,000, पर यहाँ पर कितना आया, खाली बैंक ने क्रेडिट कितना किया, 80, तो बैंक ने और कितना क्रेडिट करना बाकी है, 1,20,000 क्रेडिट करना बाकी है। एंट्री नंबर क्या है, 2, तुम बोलोगे कैसे, क्योंकि 2,00,000 रुपये क्या करना था हमें, रिसीव होना चाहिए था, और बैंक ने खाली कितना रिसीव किया, 1,80,000, तो यहाँ पर और कितना पैसा भी आना बाकी है, 1,20,000 रुपये आना बाकी है। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्री वेयर शो इन अ पासबुक ऑफ जनवरी 2018 बट नो करस्पॉन्डिंग एंट्री वॉर मेड इन कैश बुक, मतलब इसकी कैश बुक में एंट्री आई नहीं है। क्लियर है, मतलब ये सारी बुक कहाँ पर रिकॉर्ड है, पासबुक में, तो हमें वही तो आइडेंटिफाई करना है कैश बुक में कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी है। अभी पेमेंट पे कर रहे तो इतना याद रखो, कैश बुक की, पासबुक की पेमेंट साइड, तो एंट्री रिकॉर्ड करना कहाँ बाकी रहेगा, कैश बुक की पेमेंट साइड पे बाकी रहेगा। पेमेंट ऑफ ₹6,400 बाय बैंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ECS, तो यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पर मैं ये 3 का ये 1 लिख दूँ ऐसे करके, क्लियर है, 3 का 1 अमाउंट कितना दिया गया मुझे, ये ₹6,400 दिया गया। अभी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक रुपीज़ कितना है, 12,000, इंटरेस्ट बैंक ने क्या किया, क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने रिसीव किया, तो कहाँ एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसीव साइड। ये 3rd का क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, बी लिख दूँ, क्लियर है, और इसका अमाउंट कितना दिया गया है, 12,000 मैं क्या करूँ, लिख दूँ। आगे क्या बोल रहे, बैंक डेबिटेड कमीशन कितना बोल रहे, 1,000, एंड बैंक चार्जेस कितना बोल रहे, बैंक ने डेबिट किया, मतलब बैंक ने पेमेंट किया, तो कहाँ पर रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की पे, यहाँ पर ही आ जाएगा कैश बुक की पेमेंट साइड। यहाँ पर कौन सा है, 3rd का 3 है, दोनों को 3rd का 3 नाम लिख दूँ, दोनों नाम अलग अलग दिया है, तो यहाँ पर अलग अलग 1,000, और यहाँ पर कितना है, 600 रुपीज़ है। क्लियर है, अभी क्या बोल रहे, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, डिपॉजिट किया, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है, यहाँ पर रिसिप्ट हो रहा है। क्लियर है, रिसिप्ट हो रहा है यहाँ पर, और कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर, डेटर ने मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा क्या कर दिया, रिसीव किया, कितना पैसा आना चाहिए था, 1,000, तो रिसीव हुआ, तो कहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, कैश बुक की रिसिप्ट साइड पर एंट्री कितना रिकॉर्ड करना बाकी रहेगा, ये 3rd का कितना लिख दूँ, 4, क्लियर, अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बैलेंस एज पर क्या लिख दिया, कैश बुक लिख दिया। अभी यहाँ पर वेरी फर्स्ट आपको सबको पता रहेगा, जहाँ पर बैलेंस है यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होगी, ऐड होगी, कुछ चीज़ें क्या होगी, लेस, और ऐड क्या क्या होगी, जहाँ पर बैलेंस दिख रहा है आपको वो साइड क्या रहेगा, ऐड हो जाएगा ये बैलेंस और ये माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐड, और ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, तो जहाँ पर ऐड आया वो चीज़ें ऐड होगी, तो ऐड में देखो वेरी फर्स्ट कौन सा नंबर है, फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर, और इसमें भी एंट्री कौन सा देखना है हमें, फर्स्ट वाला ही एंट्री क्या करना है देखना है। क्या बोल रहे, चेक इशू कितने का किया था, 1,00,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है, या तो नॉट क्लियर बाय बैंक लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, चेक क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूँ चेक इशूड, तो यहाँ पर आ जाएगा इशूड बट नॉट, बट क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, नॉट क्लियर बाय बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट क्लियर या बाय बैंक लिखो, या तो नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिखो तो भी चलेगा, क्लियर बाय बैंक, और अमाउंट कितना रहेगा इसका, 50,000 रुपीज़ रहेगा। क्लियर, अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज़ आ जाएगा। और आगे सेकेंड नंबर क्या बोल रहे हैं, ऐड में
थर्ड का कौन सा बोल रहे, सेकेंड और फोर्थ। तो थर्ड का सेकेंड क्या था, यहाँ पर देखोगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नेट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो यहाँ पर मैं लिखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट क्या हो रहा है, क्रेडिटेड बाय क्या कर रहे हैं बैंक, और आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन क्या है कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड क्या है रिकॉर्डेड इन कैश बुक में हमने उसको क्या किया है रिकॉर्ड नहीं किया है, क्लियर, नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक। आप CVV लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, और अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 12,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर। आगे इसका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड नंबर आ गया, तो यहाँ पर थर्ड नंबर लिख देंगे, क्लियर। आप फर्स्ट सेकेंड थ्री भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर थोड़ा न्यू ट्राई किया इस बार। अभी क्या आएगा फोर नंबर, थ्री का फोर क्या था यहाँ पर, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अवर कस्टमर बाय NEFT अवर अकाउंट, तो बस इतना लिखो तो भी काफ़ी है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड मेड बाय कस्टमर, क्लियर है, कस्टमर बाय NEFT टू अवर अकाउंट, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा OUR अवर अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, अवर अकाउंट। अमाउंट कितना दिया गया यहाँ पर 1,000 रुपीज़ दिया गया है, बस एक काम करो सबको ऐड कर दो, अभी 50 प्लस से करोगे तो 62 कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा आपको, 63 प्लस 40 करोगे आप सभी को आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,03,000 आ जाएगा, क्लियर है, ये 1,03,000 आ गया। अभी क्या करना है, ऐड हो गया, बारी आई लेस की, तो एक काम करो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, लेस लिख दूँ पहले, तो ये हो जाएगा मेरे लिए लेस, यहाँ पर कितना आ जाएगा लेस, मैं क्या करूँ लिख दूँ, अभी सारा क्या करना है मेरे को लेस करना है, तो लेस वाले में देखो क्या बोल रहा है, पहला अगर लेस में देखोगे तो ये सेकंड वाला नंबर था, क्लियर, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा ये सेकंड वाला नंबर क्या था, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन 2 लाख आउट ऑफ 80,000 क्या हो रहा है चेक क्या हो रहा है बैंक में क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक डिपॉजिट बाय अमाउंट नॉट क्रेडिट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, तो यहाँ पर आ जाएगा चेक एंट्री नंबर क्या लिखूँ 1 लिखूँ, और यहाँ पर आ जाएगा चेक्स डिपॉजिटेड बट क्या लिखूँ अमाउंट नॉट कलेक्टेड बाय यहाँ पर आ जाएगा कलेक्टेड बाय बैंक, अब तक बैंक ने क्या किया है अमाउंट कलेक्ट किया नहीं है, क्लियर, अमाउंट कितना लिखूँ यहाँ पर मैं 1,20,000 में क्या करूँ लिख दूँ, आगे एंट्री नंबर क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, तो सेकंड में क्या था यहाँ पर देखोगे तो 313 और क्या है 5, तो फर्स्ट और 3 है, तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पेमेंट ऑफ 650 पेड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब बैंक ने क्या किया पे किया, तो बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखो तो भी चलेगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैंक ने क्या किया पे किया, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक पेड, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक क्या कर रहा है ये पे कर रहा है, तो बैंक पेड क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है बिल नॉट रिकॉर्डेड इन क्या है, यहाँ पर आ जाएगा नॉट रिकॉर्डेड इन CB, मतलब कैश बुक में उसने रिकॉर्ड किया नहीं, अमाउंट कितना है 6,400 रुपीज़ है, क्लियर है। अभी उसके बाद 3 में 2 था, देखो बैंक डेबिटेड कमीशन कितना है 100 और क्या बोल रहे बैंक चार्जेस 60, देखोगे 3 में 2 है तो बैंक ने क्या किया डेबिट किया है कमीशन और बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट डेबिटेड, तो यहाँ पर एंट्री नंबर क्या लिखूँ मैं थर्ड लिख दूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक, उसको क्या किया है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो आप लिख सकते हो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में क्या करूँ लिख दो, और पहला क्या दिया यहाँ पर कमीशन, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन का कितना, आप चाहो तो इनर में लिखो है तो आउटर में भी लिख सको, कमीशन का कितना था यहाँ पर मेरे लिए 1,000 रुपीज़, तो कमीशन 1,000 रुपीज़ आ जाएगा, और उसके बाद क्या है बैंक चार्जेस, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस आ जाएगा, अमाउंट कितना लिखूँ मैं यहाँ पर 600 रुपीज़ लिखो, अब सबको क्या करूँ ऐड कर दो 1,06,000 सबको ऐड करूँगा तो आउटर में कितना आ जाएगा 1,28,000 आएगा। अभी देखो उल्टा हो गया, जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने 6 किया था तो वहाँ पर कुछ अलग था, वहाँ पर इसको क्या करना है मुझे माइनस करना है, और देखो माइनस क्या है ज़्यादा, प्लस वाला कितना है 1,03,000 और माइनस वाला कितना है 1,28,000, मतलब यहाँ पर आंसर किस में आएगा हमें माइनस में आएगा, मतलब 1,28,000 क्या है ज़्यादा
और ये क्या है, थ्री कम है, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस, माइनस साइन ज़्यादा है तो अमाउंट किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। अमाउंट कितना रहेगा, 25,000 रहेगा। अगर जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स में अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सिक्स कहाँ गया मेरे पास, मैंने किया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, बैलेंस एज पर क्या था, कैश बुक, तो ये भी आंसर किस में आया था, प्लस में। तो क्या लिखा था, बैलेंस एज पर पासबुक, पर यहाँ पर देखो आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। तो इसको नाम क्या देगी, ओवरड्राफ्ट देगी, क्या देगी, ओवरड्राफ्ट एज पर क्या रहेगा, पासबुक, एज पर क्या रहेगा, पासबुक रहेगा। यहाँ पर कैश बुक आया तो यहाँ पर क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहेगा। अमाउंट कितना रहेगा, 25,000 रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको वीडियो समझा रहेगा, इसका मैं पिक भी एंड में आपको प्रोवाइड करूँगा। और समझो, लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू स्टूडेंट।